नमस्ते, कैसे हैं आप सब बच्चों? हम लोग बात कर रहे थे अडल्टहुड की, यानी कि आपके अपने जीवन की जो अवस्था है, हम उसी की बात हमने लास्ट क्लास में चालू की थी। आज हम अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। कल हमने जो बात की उसमें कुछ विशेषताओं की हम बात कर रहे थे, और दो विशेषताएं हमने कल समझी थी। एक तो युवावस्था जो है वो व्यवसाय के चुनाव की अवस्था है, सिलेक्शन ऑफ ऑक्यूपेशन, और दूसरा था सिलेक्शन ऑफ अप्रोप्रिएट मेट, मेट सिलेक्शन, इसकी दूसरी महत्वपूर्ण अवस्था थी। और अब हम आगे बात करते हैं कि एक बार जब जीवन साथी का चुनाव हो गया तो फिर विवाह बंधन में बंधने की ये अवस्था है। स्त्री और पुरुष दोनों विवाह के बंधन में बंध करके, यानी कि मैरिज इंस्टीट्यूशन के माध्यम से फैमिली में एंटर करते हैं और साथ साथ अपना जीवन यापन करना प्रारंभ कर देते हैं। विवाह उत्सव से ये संस्था प्रारंभ होती है, धार्मिक संस्कारों के साथ में विवाह कार्य संपन्न होता है, और इसीलिए पति और पत्नी में आपस में भावनात्मक लगाव उत्पन्न होता है, और भावी परिवार का शुभारंभ भी इन्हीं पुनीत संस्कारों के साथ प्रारंभ होता है। अब एक स्त्री और पुरुष पति पत्नी के रूप में एक साथ रहने की उनको समाज इजाज़त देता है, जहाँ पर अब वो न सिर्फ शारीरिक संबंध आपस में बना सकते हैं, बल्कि अब वो एक नए जीव को जन्म देने के लिए भी समाज की तरफ से उनको पूर्णतया इजाज़त होती है। और इतना ही नहीं, इस विवाह संस्था के माध्यम से जो वो परिवार बनाते हैं, उस परिवार में वो अपने माता पिता और अन्य रिश्तेदारों वगैरह के साथ में भी अपना संबंध प्रगाढ़ करते हैं। जैसे खास तौर से एक स्त्री जो अब एक पत्नी के रूप में, बहू के रूप में अपने पति के घर में आ गई है, तो वहाँ आने के बाद में अब वो अपने सास ससुर रिश्तेदार वगैरह उन सब के साथ में भी सामंजस्य स्थापित करती है, और पति पत्नी के मध्य स्वस्थ समायोजन, मधुर संबंध, प्रेमपूर्ण भाव, समर्पण की भावना, विश्वास और प्यार रहता है, तो ये परिवार रूपी बगिया जो है ये महक उठती है, और उसकी महक से पूरा समाज और राष्ट्र पुलकित और प्रफुल्लित होता है। रंग बिरंगे फूल खिलते हैं, फलस्वरूप पूरा परिवार सुखद जीवन का निर्वहन करता है, और ये सफल विवाह के रूप में हम उसको देखते हैं। लेकिन इसके ठीक विपरीत, अगर पति पत्नी में आपस में सामंजस्य नहीं है, एक दूसरे के लिए श्रद्धा और समर्पण का भाव नहीं है, और क्लेश अगर उनमें ज़्यादा है, आपस में ईगो जिसको हम कह सकते हैं, अहम की भावना अगर ज़्यादा है, एक दूसरे के लिए त्याग और समर्पण की भावना अगर नहीं है, तो उस कंडीशन में फिर एक दूसरे का साथ वो आसानी से निभा नहीं पाते हैं। आए दिन उनमें क्लेश होता है, झगड़ा होता है, जिसका खामियाजा बच्चों को एवं परिजनों को भुगतना पड़ता है। कई बार माता पिता के ये झगड़े इस हद तक आगे बढ़ जाते हैं कि उनमें तलाक की नौबत आ जाती है, और इसका खामियाजा सबसे ज़्यादा जो भुगतना पड़ता है वो भावी पीढ़ी को भुगतना पड़ता है। इसीलिए कहा गया है कि ये जो अवस्था है, ये बहुत सावधानी पूर्वक इसमें निर्वहन की आवश्यकता होती है। और फिर बात आती है चौथी जो इस अवस्था है उसमें, कि युवा अवस्था जो है ये यौन संतुष्टि की अवस्था है, सेक्सुअल सेटिस्फेक्शन, क्योंकि पति पत्नी को अब साथ रहने की इजाज़त होती है, और वो अब शारीरिक संबंध आपस में स्थापित कर सकते हैं, तो उनकी जो सेक्सुअल डिज़ायर्स हैं, यौन संबंधी जो भी इच्छाएं हैं, अब वो पति पत्नी आपस में एक दूसरे से अपनी उन इच्छाओं की पूर्ति कर पाते हैं, और इस कारण से अगर वो दोनों यौन संतुष्टि अगर उनको होती है तो वो खुश रहते हैं, आपस में उनके संबंध और ज़्यादा प्रगाढ़ होते जाते हैं। और इसके लिए बहुत ज़रूरी है बच्चों की उम्र में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं होना चाहिए। 2-3 साल का फ़र्क अगर है तब तक तो ठीक है, लेकिन अगर उम्र में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है तो ये जो सेक्सुअल डिज़ायर हैं इनमें भी डिफरेंस आ जाता है, और उसका खामियाजा कई बार पति पत्नी को
भुगतना पड़ता है। इसीलिए पति पत्नी की उम्र में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होना चाहिए और ये अंतर एक निश्चित अवधि तक का ही होना चाहिए। और फिर बात आती है, ये जो अवस्था है युवावस्था, ये संतान उत्पत्ति और उसके लालन पालन की अवस्था है। जैसा कि हम पहले ही बात कर चुके हैं कि इस समय में अब इस नए शादीशुदा जोड़े को बच्चे को जन्म देने की भी सामाजिक रूप से इजाज़त मिल चुकी होती है, तो ऐसे में बच्चे को 9 माह अपने गर्भ में रखना, उस समय में स्त्री की देखभाल करना, ये पूरे परिवार की और पति की भी जिम्मेदारी हो जाती है, स्त्री की स्वयं की भी जिम्मेदारी हो जाती है कि वो अपना स्वयं का और गर्भ में पलने वाले शिशु का पूरा ध्यान रखे। और फिर जब बच्चे का जन्म हो जाता है तो उसके लालन पालन के लिए भी पूरे परिवार को और ख़ास तौर से पति पत्नी दोनों को सम्मिलित रूप से एफर्ट्स करने होते हैं, तभी संतानों का लालन पालन अच्छी तरह से हो सकता है। संतान उत्पत्ति करना पति पत्नी का धर्म ही नहीं बल्कि संतानों का लालन पालन करना, उनकी शिक्षा और दीक्षा, ये सब भी इन्हीं की जिम्मेदारी हैं। संतान के पैदा होने के साथ ही उन्हें माता पिता की भूमिका निभानी पड़ती है, यानी कि चेंज ऑफ रोल। अभी तक सिर्फ पति पत्नी थे या अपने सास ससुर की बहू थी या सास ससुर का दामाद था, लेकिन अब वो सिर्फ किसी के देवर, जेठ, भाई, भाभी इत्यादि सिर्फ यही नहीं है बल्कि अब वो स्वयं एक माता और पिता भी हैं। और इस नए चेंजिंग रोल में उनको अपनी नई जिम्मेदारियों को भी न सिर्फ समझना होता है बल्कि उनको निभाना भी पूरी तरह से पड़ता है और विभिन्न संस्कारों से युक्त करना पड़ता है अपने बच्चों को। माता पिता की जिम्मेदारियाँ अब ज़्यादा बढ़ जाती हैं। और फिर बात आती है कि युवावस्था जो है ये सामाजिक उत्तरदायित्वों के निर्माण की भी अवस्था है, एज ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। युवावस्था में अब सामाजिक उत्तरदायित्व भी बढ़ जाता है क्योंकि अब अपने बच्चों की भी जिम्मेदारी है, माता पिता की जिम्मेदारी है, सगे संबंधी, रिश्तेदार, दोस्त वगैरह और यहाँ तक कि वर्क प्लेस, इन सब की जिम्मेदारी भी आ जाती है। आयोजित जो भिन्न भिन्न कार्यक्रम हैं अब उनमें आना जाना भी पड़ता है। जब तक स्टूडेंट थे, आज आप अगर एज ए स्टूडेंट आप किसी की शादी में, किसी के फंक्शन में, किसी समारोह में जाएं ना जाएं तो चलता है, लेकिन जब आप एक परिवार का की जिम्मेदारी उठाने लग जाते हैं तो फिर आपको अपने समाज के प्रति जिम्मेदारियों से भी, आज आपके माता पिता चाहें कि नहीं मैं अपने भाई के बच्चों की शादी में ना जाऊं तो वो संभव नहीं है, आप अगर चाहें कि चलो ठीक है मुझे अपने मामा के बच्चे की शादी में या बुआ के बच्चे की शादी में नहीं जाना है या मेरे एग्ज़ाम्स हैं, आप नहीं जाएंगे तो शायद चलेगा, लेकिन अगर आपके माता पिता नहीं जाएंगे तो उनके ऊपर सामाजिक लांछन आने की संभावना रहती है कि देखो ये आना नहीं चाहते या रिश्ते निभाना नहीं चाहते। तो इस तरह की बहुत सी बातें होती हैं, तो उन सारी जिम्मेदारियों को भी निभाने का ये समय होता है। घर के विभिन्न कार्यों को भी करना पड़ता है, छोटे भाई बहन, भतीजे भतीजी, भांजे भांजी इत्यादि जो भी हैं उनके सबके लिए जो अपनी जिम्मेदारियाँ होती हैं उनका भी निर्वहन करना पड़ता है। और जीवन साथी, उनके लिए शादी में धन की व्यवस्था, जीवन साथी चुनने में, सामाजिक, धार्मिक और पारिवारिक अनुष्ठान इत्यादि को संपन्न कराने में इन दंपति को अब अपना काम करना पड़ता है, अपनी जिम्मेदारियाँ करनी पड़ती हैं। फिर बात आती है कि युवावस्था में रुचियों में परिवर्तन हो जाता है। जो एडोलेसेंट एज में जिस तरह की सोच होती है, जिस तरह की इच्छाएं होती हैं, अब युवावस्था आने पर उनमें काफ़ी परिवर्तन हो जाते हैं। पहले घूमना फिरना, आज़ाद पंछी की तरह हम कहीं पर भी आ जा सकते थे, कैसे भी कुछ भी काम कर सकते थे, लेकिन अब हमें बहुत सी चीज़ें देखनी पड़ती है। घर में अगर बच्चे हैं तो उनको छोड़ कर के पिक्चर देखने कैसे जाएं, या घर में माता पिता हैं, बीमार हैं तो हो सकता है उनके कारण से हमें अपना, अपने दोस्तों के साथ का कोई प्रोग्राम चेंज भी करना पड़े। तो इस तरह से रुचियों में भी परिवर्तन आ जाते हैं। अब जैसे खुद को ही अच्छा नहीं लगता, पहले तो जब तक शादी नहीं हुई थी तो लड़का अपने दोस्तों के साथ घूमने फिरने जाना पसंद करता था, मोटरसाइकिल पर घूम रहा है, अकेला रात में देर तक आ रहा है, लेकिन अब जब पत्नी है घर में तो पत्नी के साथ जाने की इच्छा होती है और ऐसे में फिर वो
ऐसे अनमेरिड यंगस्टर दोस्तों के साथ के बजाय जो शादीशुदा परिवार वाले दोस्त थे उनका साथ ज़्यादा पसंद करता है। तो कहने का मतलब ये कि जब स्टेज बदली तो अपने आप आपके इंटरेस्ट भी बदलते जाते हैं। और फिर बात आती है रिस्क लेने की अवस्था है कि ये रिस्क टेकिंग स्टेज है, ज़बरदस्त रिस्क लेने की इस समय क्षमता होती है कि जो जितना ज़्यादा रिस्क लेते हैं इस अवस्था में वो उतना ही ज़्यादा गेन करते हैं। अब इसको हम चाहे जॉब से रिलेटेड कह लें, धनोपार्जन से रिलेटेड कह लें, या जीवन के कोई भी, चाहे वो मेट सिलेक्शन का ही डिसीजन क्यों नहीं हो, जो जितनी ज़्यादा रिस्क लेने की जिसमें क्षमता होती है उसको उतना ही ज़्यादा अच्छा फल मिलने की संभावना हो जाती है। क्योंकि आज अगर कोई व्यक्ति ये रिस्क उठाता है कि नहीं, मुझे चाहे माँ बाप से अलग जा कर के रहना पड़े, किसी दूसरे शहर में जा कर रहना पड़े, चाहे खाना मुझे खुद बना करके खाना पड़े, या हो सकता है होटल का खाना पड़े, या कोई समय बिना खाना खाए भी रहना पड़े, अगर वो इस सोच के साथ में किसी अच्छी जॉब की अपॉर्चुनिटी को किसी दूसरे शहर में लेता है तो ऑब्वियसली उसको ज़्यादा अच्छी सैलरी मिलती है, वो ज़्यादा गेन कर पाता है, और उसके फलस्वरूप कल को वो अपनी फैमिली के ऊपर ज़्यादा स्पेंड भी कर पाता है। इसी तरह से जीवन साथी के सिलेक्शन में भी हम ये बात कह सकते हैं कि वो किसी को जानता है, किसी को अच्छे से समझता है। अगर एक लड़का और एक लड़की आपस में लंबे समय तक संबंध में हैं, मानसिक रूप से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, फ्रीक्वेंटली मिलते हैं, एक दूसरे की अच्छाइयों को बुराइयों को जानते हैं, तो वो विवाह के बंधन में बंधने की रिस्क ले पाते हैं। और वो जितना ज़्यादा ये रिस्क, उसमें उनको कई बार समाज के विरोध का भी सामना करना पड़ता है, हो सकता है माता पिता के विरोध का भी सामना करना पड़े, तो ऐसे में अगर वो ये रिस्क उठा पाते हैं तब तो उनका जीवन ज़्यादा सफल हो जाता है। और अगर वो ये रिस्क नहीं उठाते और माता पिता के कहने से किसी अनजानी लड़की से शादी कर लेते जिसके बारे में वो कुछ जानते ही नहीं थे, तो हो सकता है कल को उन दोनों में आपस में बने ही ना। तो कहने का मतलब यह है कि ये वो अवस्था है जहाँ मैक्सिमम रिस्क लेने की क्षमता व्यक्ति में होती है। युवाओं में अदम्य साहस, असीम ऊर्जा, अपार उत्साह और भरपूर जोश होता है। इसी कारण वो कठिन से कठिन बाधाओं को भी पार कर लेते हैं, समस्याओं से टकराते हैं और कभी कभी तो पंगा भी मोल ले लेते हैं। समस्याओं से गिरने के बाद में भी हारते नहीं हैं और धीर गंभीर होकर के जीवन की हर चुनौती का सामना करते हैं और उसमें सफल भी होते हैं। इस समय में युवावस्था में मांसपेशियों और हड्डियों में भी बहुत ताकत होती है और नस नस में उत्साह उमंग भरा हुआ होता है, नया खून होता है, जिसके बल पर वो असंभव कार्य को भी संभव करने में सक्षम होते हैं। फलस्वरूप सफलता उनके चरण चूमती है। ऐसे कर्मठ, उत्साही, जोशीले, उमंग भरे युवाओं को देख करके परिवार और समाज सभी उनके ऊपर गर्व करते हैं और उनकी सर्वत्र प्रशंसा उनको देखने को मिलती है। और फिर बात आती है कि ये अवस्था जो है ये माता पिता की देखभाल और सेवा करने की भी अवस्था है कि जब तक अभी तक तो बच्चा था, अपनी हर छोर ज़रूरत के लिए, चाहे कपड़े चाहिए, दोस्तों के साथ घूमने जाना है, स्कूल की फ़ीस जमा करानी है, कॉलेज की फ़ीस जमा करनी है, सबके लिए माता पिता पर निर्भर थे। लेकिन अब वो स्टेज आई जहाँ खुद कमाने लग गए हैं, अपने परिवार का पालन पोषण करने लग गए हैं, तो अब वो अपने माता पिता की भी सेवा वो कर पाते हैं। माता पिता की भी आवश्यकताओं की पूर्ति, अगर कोई काम माता पिता नहीं कर पा रहे हैं, उनकी अगर इतनी इनकम नहीं है, तो अब बच्चे उनकी मदद कर सकते हैं और उनकी देखभाल और सेवा भी कर सकते हैं। हर माता पिता की सेवा करना, देखभाल करना और उनकी सहायता करना प्रत्येक पुत्र का धर्म होता है। उसको अपने व्यस्तम समय में से भी समय निकाल करके माता पिता को का ध्यान रखना होता है और उनकी हर आवश्यकता की पूर्ति करनी होती है। लेकिन अब आज के अगर हम युग की तरफ देखें, आज की परिस्थितियों की तरफ देखें, तो माता पिता की ये सेवा करना हर बच्चे के लिए संभव नहीं हो पाता है। कई बार
व्यवसाय के कारण या नौकरी के कारण एक शहर से दूसरे शहर में जाना पड़ता है, और ऐसे में कई बार ये भी संभव नहीं हो पाता कि वो माता पिता को अपने साथ रख सके। या जैसे अगर एक माता पिता के 2 या 3 बच्चे हैं तो वो सबके साथ तो एक साथ नहीं रह सकते। अगर वो सब अलग अलग जगहों पर हैं तो ऐसे में फिर उनको अपने माता पिता को समय समय पर जब भी संभव होता है तब अपने पास बुलाना चाहिए, या उनके पास में वार त्यौहार जब भी मौका मिले समय समय पर उनके पास जाना चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि अभी थोड़ा सा परिस्थितियाँ बदली जरूर हैं लेकिन भावनाएं नहीं बदलनी चाहिए। परिस्थितियां चाहे जो भी हों, भाव जरूर सेवा भाव माता पिता के लिए हमेशा होना ही चाहिए, जो कि इस अवस्था में सबसे ज़्यादा आवश्यकता भी मानी गई है। और फिर बात आती है युवा अवस्था माता पिता एवं बच्चों के मध्य अंतः क्रिया की अवस्था है, इंटरेक्शन बिटवीन पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन। नवजात शिशु सबसे ज़्यादा अपने माता पिता के संपर्क में होता है, जैसे जैसे वो बड़ा होता है उसका संपर्क माता पिता एवं परिवार के अन्य सदस्यों के साथ भी होने लगता है। तो नाउ बीइंग पेरेंट्स, क्योंकि अब आप स्वयं माता पिता हैं तो आपका अपने बच्चों के साथ में इंटरेक्शन बढ़ाना होता है। अभी तक आपका इंटरेक्शन अपने माता पिता के साथ था, अब आपको अपने बच्चों के साथ में भी ये इंटरेक्शन बढ़ाना होता है। और जैसा आचरण आप करेंगे वैसा ही आपके बच्चे भी सीखते हैं, शिशु उनका अनुकरण करते हैं। इसलिए माता पिता की जिम्मेदारी होती है कि वो नैतिक मूल्यों, परंपराओं, आचरणों, प्रथाओं इत्यादि को अपने बच्चों को सिखाएं, बच्चों को संस्कारित करें, उनको पढ़ा लिखा करके एक योग्य श्रेष्ठ नागरिक बनाएं और बहुमुखी व्यक्तित्व के विकास में सहयोग करें। इसके लिए ज़रूरी है कि माता पिता में आपस में भी प्यार हो, विश्वास हो, आत्मसमर्पण की भावना हो, ताकि घर का आंतरिक वातावरण जो है वो सुखपूर्वक प्रसन्नतापूर्वक रह सके। आज हम अपनी बात को यहीं रोकते हैं, नेक्स्ट क्लास में इसी विषय को कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।